कर्मा लॉ एकेडमी के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं। आज नोटिफिकेशन के थ्रू फिर ये पता चला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किया है कि एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है, अर्थात आगे बढ़ा दिए हैं, और एग्ज़ाम की डेट भी जो है थोड़ा रिशेड्यूल हुई है, अब 10 दिसंबर को होगी। तो आइए हम देखते हैं जो आपको सब्सटेंटिव लॉ बता रहे हैं उसी की घड़ी में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी, संवैधानिक विधि के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर होगा उसमें दो चीजें आएंगी, एक सब्सटेंटिव लॉ आएगा और दूसरा प्रोसीजरल लॉ आएगा, प्रक्रियात्मक विधि आएगी। सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत हम सब्सटेंटिव लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, टॉर्ट ये सब बताएंगे। उसमें का मैंने केवल एक पार्ट अभी लिया है जिससे आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएं। ये एग्जाम जैसे कि आपको मालूम है कि ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप लोग वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको बुक ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट बने रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसी कड़ी में आगे। हम आपको आज बताते हैं संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल जैसे कि नाम से ही विदित है, इसके बारे में आपको बता दिए कि फंडामेंटल है। मूल किसके लिए मूल है? मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए। ये कहां से कहां तक दिया गया है? ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया गया है। ठीक, 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में आपको बताया जुडिशियल रिव्यू है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड स्टार्ट हो रहा है संविधान का, भाग 3, ये रोमन अंक है, इसको रोमन अंक कहते हैं, 3 लाइन जिसमें बना दी गई है। पार्ट थर्ड में हम जानेंगे मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार में जो 14 से लेके 18 का ये सेट है, इसमें जो दिया गया है समता से संबंधित है। क्या है समता? इक्वलिटी या समानता। देखिए, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और आपको यह एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कुछ मूलभूत चीजें आनी चाहिए। मूलभूत चीजों में जो बेसिक चीजें हैं स्टडी के लिए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस मूलभूत चीज में पहला एक है समता। समता किस चीज की? ये जो समता है किस चीज की होनी चाहिए? आप अनुच्छेद 14 जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दो चीजें हैं, विधि के समक्ष समता, विधि इसमें है, विधि का मतलब लाभ होता है, जो भी आप जस्ट पास आउट किए हैं रेलवे का एग्जाम दोनों में भी है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दो शब्द हैं महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 14 में केवल यही बताया गया है, ये जनरल रूल्स है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कौन करेगा ये? फंडामेंटल राइट्स जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट के अगेंस्ट है, राज्य के, और उस राज्य का मतलब क्या है? अनुच्छेद 12 में दिया गया उस राज्य का क्या मतलब होता है? उस राज्य का मतलब होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। मतलब कि सरकारी संगठन जो हमारे सरकार के तंत्र के लिए बनाए गए हैं वो इस अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। और जो मुझे ये मूल अधिकार मिला है, ये फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है, प्राप्त है संविधान के द्वारा, वो इसी राज्य पे निर्बंध लगा रहा है। मतलब मानव के बीच, ह्यूमन बीइंग के बीच और राज्य के बीच एक संतुलन बनाया
चल जा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं कि हम काफी दिनों तक, काफी सदियों तक गुलाम रहे डिफरेंट कॉलोनीज के, उसमें से एक इंग्लिश कॉलोनी जो रही वो हमारे इंडिया के मेन पार्ट पे आई। उस मेन पार्ट में मेनलैंड को लगभग 200 सालों तक जो है एकदम एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट जब कर रहे थे तो राज्य क्या मजबूत नहीं था? उस समय भी राज्य मजबूत था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं वो कमजोर नहीं थी, वो मजबूत थी। कमजोर कौन था? मानव। इस देश में रहने वाला मानव जो था, जो सबसे बड़ी इस देश की संपत्ति थी, ये कमजोर हो गई थी। क्योंकि मानव काम तो करता था लेकिन उसको उस काम की भरपाई नहीं मिलती थी। उस काम को जितना ये वर्क डन किया, इस काम की जो है इसको वेतन या इसके द्वारा पैदा किए गए अर्थशास्त्र के अनुसार जो संसाधन थे वो यहाँ से एक्सप्लॉइट होते थे इंडिया से और वो राज्य में जाते थे। ये राज्य कौन था उस समय? उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। आज हमारे यहाँ जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा बैठी, उसमें लगभग 300 लोग सदस्य बैठे भारत के विभिन्न भागों से चुन के आए, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि हम राज्य को कैसे चलाएं जिसमें मानवाधिकारों की भी रक्षा हो, जो भारत में रह रहे हैं लोग इनकी भी रक्षा हो, और दूसरी तरफ राज्य ही ना कमजोर हो। क्योंकि यदि राज्य कमजोर हो गया तो इसमें विदेशियों का, आक्रांताओं का लगातार आक्रमण होता रहेगा, राज्य खुद टूट जाएगा। जब राज्य ही कमजोर रहेगा तो फिर विधियों का समान संरक्षण कौन करेगा, या किसके सामने हम समानता के लिए क्लेम करेंगे, दावा करेंगे। इसलिए ये चीज तो किया गया कि हाँ राज्य मजबूत था, राज्य मजबूत रहे, लेकिन इस राज्य की मजबूती में राज्य कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा। देखिए ये नहीं कहा जा रहा है कि राज्य के किसी भी पावर में कमी आएगी, किसी भी शक्ति को जो है कर्टेल नहीं किया जा रहा है, लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं संविधान सभा में बैठे हुए विद्वान कि राज्य कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो ये मानव को जो प्राप्त अधिकार है ये ना कम हो ना ये न्यून हो। अगर ये मानव को दिए गए बेसिक राइट्स कम हो जाएंगे तो राज्य में रहने वाली जनता फिर शोषण का शिकार हो जाएगी। तो अंग्रेज हमारे देश से चले गए लेकिन हमारे देश में रहने वाले वो कंटिन्यू जनता का शोषण करेंगे। तो इसलिए इस इतना बड़ा अधिकार है कि एक मानव, इफ ए ह्यूमन बीइंग एंड ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया, यदि कोई मानव है और भारत भूमि के अंतर्गत रह रहा तो डायरेक्ट जो है उच्चतम न्यायालय माननीय और उच्च न्यायालय के पास जाके अपने अधिकारों को क्लेम कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा अधिकार आपको संविधान बनाने वालों ने दे दिया कि आने वाली पीढ़ियां हमारी इस चीज को महसूस करें कि अब हम किसी के शोषण के अंतर्गत नहीं रहेंगे या मेरा किसी तरीके से शोषण नहीं हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मानव को जो है जो अधिकार दिया गया वो समता का, सबसे पहले क्या दिया गया कि मानव और मानव के बीच में अंतर ना किया जाए, विधि के समक्ष समता। मान लीजिए ये विधि के समक्ष जो समता की बात कही जा रही है किसके द्वारा कही जा रही है? भारत के संविधान के अंतर्गत कही जा रही है कि विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य कौन सा? ये राज्य जिसमें केंद्र सरकार, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जिसको हम संसद कहते हैं, राज्य सरकार, विधानमंडल, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं और जिला पंचायत होती हैं और इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक स्तर से होते हैं या लोकल अथॉरिटीज, ये लोग इंटरफियर नहीं करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ये जो मानव को, ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किया जाएगा किसके लिए? मानव के लिए। अब मानव की डिफिनीशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको ये इतना जानना है, यही आपके लिए पर्याप्त होगा। तो ये जो विधि का समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आपको संविधान के दिया गया, ये संविधान का अनुच्छेद 14 है, 14। ये सामान्य नियम बता रहा है, कैसा नियम है? सामान्य नियम, ठीक।
जिस सामान्य नियम के अंतर्गत दो प्रिंसिपल्स आ जा रहे हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। आइए देखते हैं कि समता के कैसे डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, और एक आदमी है जिसके पास कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पे जिसके पास जीरो इनकम है और एक के पास एक के बाद कितने जीरो लगे हैं, इस इनकम को काउंट करने के लिए भी थोड़ी देर सोचना पड़े। तो क्या इनको और इनको एक ही जैसे रख दिया जाएगा तो क्या दोनों की उन्नति करेंगे? नहीं। ये जो है जिसके एक के आगे कई जीरो लगे हैं, ये कई जीरो जो है आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन एक जो है जिस केवल जीरो पे खड़ा है, एक नहीं लग पा रहा है, इसको संरक्षण देना पड़ेगा, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये इसी में एक तरीके से सम्मिलित हो जाएगा। अगर ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये इसकी कीमत पे आगे बढ़ रहा है, तो ये संरक्षण नहीं है, ये समानता का नियम नहीं है, इससे क्या होगा, शोषण का अधिकार हो जाएगा। तो इस शोषण के अधिकार से बचने के लिए विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को मैकेनिकली नहीं लागू किया गया है, ह्यूमन प्रूडेंस को, मानव माइंड को लगा के उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम जानते हैं। ये सामान्य नियम तो इसमें दिए गए हैं, लेकिन इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जिसको हम कहते हैं विशिष्ट दृष्टांत, वो किसमें हैं? 15 में आ जाते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 18 में। ये क्या है, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं, किसमें? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देखिए कि अंतर क्या है, अनुच्छेद 14 सामान्य नियम दे रहा है क्या, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का, लेकिन 15 जो है ये प्रोहिबिशन कर रहा है, निषेध कर रहा है। किस चीज का निषेध कर रहा है? कि कोई भी व्यक्ति, राज्य जो है, अंतर नहीं करेगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रतिषेध किस चीज का कर रहा है? जो विभेद कर रहा है, कहां पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ देम, जन्म, मूल स्थान, इन सब के आधार पे अंतर जो किया जा रहा है, इसको ये रोक रहा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कह रहा है किसी के साथ धर्म के आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट मतलब उसकी जाति, सेक्स स्त्री है कि पुरुष है, प्लेस ऑफ बर्थ आर्या एनी ऑफ देम, या इनमें से किसी के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। देखिए समता कैसे डेवलप हुई है संवैधानिक विधि के अंतर्गत, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। दूसरा ये कह रहा है, ये तो सामान्य नियम है, लेकिन 16 ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट में भी ये नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में भी मतलब रोजगार में भी ये विभेद नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या है, ये अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त करती है, अस्पृश्यता को समाप्त करती है। आप जानते हैं हमारे देश में छुआछूत बहुत रही है, तो ये कानून अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत इसको समाप्त किया गया है। फिर ये 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हमारे यहाँ राजा महाराजा रहते थे, महाराजा परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, परम भागवत, इस तरीके से उपाधियां लगते थे। ये केवल ये नहीं था कि जो हिंदू शासक थे वही उपाधियां लेते थे, चाहे वो क्रिश्चियन रहे हों, चाहे हिंदू शासक रहे हों, चाहे मुस्लिम शासक रहे हों, अपने नाम के आगे जितने एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, सब जोड़ लेते थे, और एक्चुअल में चाहे वो करें या ना करें। कैसर ए हिंद की उपाधि ले लिए, वो कैसर ए हिंद हैं, लेकिन चाहे हिंद को ही लूट के यहाँ के जीवन को समाप्त कर दें, ठीक। तो ये उपाधियों का अंत किया, लेकिन एकेडमिक और मिलिट्री उपाधियां हमारे यहाँ दी जाती हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट करके एक एक चीजों को समझेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इसमें सिस्टम से आपको बताएंगे, जिससे आपके माइंड में
ये चीजें आ जाए और आप फुल्ली तैयार रहें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। तो ठीक है, ये एक जनरल प्रिंसिपल्स और नियम है। इसके अंतर्गत हम चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में और इस डेवलपमेंट कैसे होता है कानून का। एक तो ये बेयर प्रोविजंस लिखा जाता है। डेवलपमेंट के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, या तो संवैधानिक संशोधन होगा या तो निर्वचन होगा, मतलब बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालय उसका निर्वचन करेंगे। ठीक, तो आगे की कड़ी में हम आपको इसके आगे बताते हैं। ऑल द बेस्ट।